So guys, welcome back to a new video, Minecraft. And जब मेरे villagers इतने सारे भर भर के iron golem बना रहे थे, तो मैं ये बना रहा था. Wow! मैं जानता हूँ कि ये उस घर के जैसा तो नहीं है, but seriously जब भी मैं पहले Minecraft खेलता था, मैं seriously बोलूँ तो बहुत पुराना player हूँ Minecraft का, तो मुझे ऐसे ही घर बनाने पसंद थे, लेकिन वो ये कभी बना नहीं पता था. और आज फाइनली मेरे ये घर बनाने का सपना पूरा हो गया. कितना मस्त लग रहा है ना. वैसे बताऊं तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही प्रो बंदा हूं माइनक्राफ्ट में सीरियसली. और मुझे अंदाजा नहीं है कि ये कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और नहीं वहां पर भी एक है. 16 iron golem. अगर हर एक iron golem 3 iron drop करता है तो कितने हुए? 16 into 3 is equal to 16, 2 जा 32, 16, 3 जा 40, 48. कमेंट्स में लिख के बताओ क्या है, कितने हैं. Now अब मैं एक एक करके इनका कत्ल करना शुरू करता हूँ. पहले टूटे वाले से शुरुआत करते हैं. टूटे वाले से शुरुआत करा है हमने और ये ज्यादा पास नहीं आ रहा. 1, 2, 3 आ जाओ. ये इनको ना मैं रखता हूँ, कभी रेड वेड पड़ेगी ना तो मैंने बहुत ही सहायक होंगे. एंड बाकी की आयरन मैन रखता हूँ. और मेरा सारा सामान अभी थोड़े दिन के लिए रहेगा, थोड़े दिनों के लिए. इसको मैं कभी फुर्सत में ठीक करूँगा. अब बाय द वे गाइस, जो मेरा फार्मर है मैंने इसे इधर कैच कर दिया, क्योंकि वही है कि वो ये सारी चीज़ें फिर इकट्ठी करूँ, फिर वहाँ पे नीचे चेस्ट में जाऊँ, फिर वहाँ पे जाऊँ, फिर वापस आऊँ, फिर लाऊँ, फिर वहाँ पे जाऊँ. तो ये सारा झंडे बंडल थोड़ा कम करने के लिए मैंने इसे यहाँ पे कैच कर दिया. और अगर कोई जंबी बम्बी आता है तो मैं रात को इसे ऐसे करके बंद कर देता हूँ. फिर मुझे दूसरा फसल लगाना पड़ेगा. वही है, मैं सबसे ज़्यादा रहना चाह रहा हूँ. और यहाँ पर मेरी फसल पक गई है और फसल इतनी अच्छी पकी है कि देखो बाहर आ रही है, बाहर आ रही है मेरी फसल है. सो आर यू रेडी फॉर दी गो? ये क्यों इधर अड़ जाते हैं? देखो क्या मस्त इंजीनियर हो ना मैं, तुम्हें मुझे सलाम करना चाहिए. सो गाइस आर यू रेडी फॉर सी माय घर? सो इस घर का टूर ये देखो, ए ऑटोमेटिक डोर है. और ये देखो वाओ कितना खाली खाली है ना. एंड ये मेरी सीढ़ियाँ जो मैंने अपने दिमाग से बनाई हैं. एंड ये देखो मेरा एक्वेरियम जिसमें एक भी फिश नहीं है. कितना अच्छा है ना, कितने क्रिएटिव हूँ मैं. और आई डोंट थिंक मैं इधर से कभी गिरूंगा. सो मुझे और लाइक बच्चा छोड़ना हूँ मैं. एंड वापस नीचे आके ये चारों साइड दरवाजे हैं मेरे. और बाकी का कुछ नहीं, बाकी का सब कुछ सेम है. ये इनकी फिर से आदत पड़ गई. इनका ना कुछ परमानेंट जुगाड़ लगाना पड़ेगा. और वो देखो गाइस, तुमने देखा वो ये है वाइट भेड़. वाइट भेड़ से इसमें जाती है वाइट वूल, अपने आप कट के इसमें जाती है. फिर इसमें ओह ये तो बहुत ज़्यादा है. एंड बाकी का मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने फार्मर के साथ किया है वैसा मैं उसके साथ कर दूँ. होता है ना जो वूल के बदले हमें एमरल्ड देता है. और ये कैसे रहेगा ये हिस्सा, इसको हटाओ. और वही है यार, मैंने यहाँ पे ये जो कॉबल स्टोन रखे हैं मैंने यहाँ पे जगहें मार्क करी हैं कि यहाँ पे डायमंड हैं, क्योंकि वो लाइक वही मैं घूम रहा था. और तुम समझ रहे हो ना, आई डोंट थिंक तुम समझ रहे हो. और नहीं समझ रहे तो यार वीडियो को लाइक मार दो, अपने आप समझ में आ जाएगी. तो चलो गाइस लेट्स गो टू टेक सम डायमंड्स. एंड ये निशानी है ये कॉबल स्टोन. तो देखते हैं कितने मिलते हैं हमें डायमंड्स.
चलो देखते हैं यार। गाइस हमें मिल गया, हमें मिले डायमंड्स, ये कितने हैं यहाँ पे? एक दो। ओ यार लाइट चली गई यार। ओ लेकिन मैं सिल्वर दिख रहा हूँ। एंड वन, ये टू, ये थ्री, 8 डायमंड्स गाइस, 8 डायमंड्स मिले हमें, 8। एंड चलो चलते हैं, लेट्स गो। शायद से मुझे आता है ये भी करना, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट का प्रो प्लेयर रह चुका हूँ पहले ही। आता है ना मुझे ये करना? और दूसरी जगह ये है गाइस, तो चलो यहाँ पे कुछ खुदाई चालू करते हैं। ओ गाइस हमें फिर से मिल गए डायमंड्स, ये हे, नाइस। चलो फिर से ऊपर चलते हैं गाइस, एक और सक्सेसफुल जर्नी। इसी बाइक पे लाइक हो तो यार प्लीज मुझे सब्सक्राइबर बनाओ मेरे, मैं थक गया हूँ कह कह के। एंड हमें कितने डायमंड्स मिल गए? 15। ये यार ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने आज तक ली है। आई थिंक इससे यार कोई चीज नहीं होती ना, है ना? सो यहाँ पे हमने 24 टोटल डायमंड्स इकट्ठे कर लिए हैं। ओ एंडरमैन, एंडरमैन, मैं इसकी तरफ देखूंगा फिर। आ गया, बचाओ आयरन गोलम जी, बचाओ मुझे प्लीज। आप देखो मेरे दोस्त ना, चार, 1 2 3 4 5 आयरन गोलम है। ओ आ रहे हैं ये, कहाँ गया, कहाँ गए, मर गया। सो गाइस आई थिंक अब बारी है उसको लाने की, उस विलेजर को लाने की। हम यहाँ पे बना देते हैं। कहाँ पे बनाए? एक्चुअली ना थोड़ा घर के पास ही बनाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए 1 2 3, तो चलो अब उसे लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं हम। लेके जाना है प्लीज, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो मुझे धक्के मार के ले जाना पड़ रहा है। देख लो आराम से बैठ जाओ प्लीज उधर। मैं पता है गोट अभी इसलिए नहीं बिछा रहा क्योंकि कोई दूसरा विलेजर भी बैठ सकता है इसमें। मैं नहीं चाहता कि दूसरा विलेजर बैठ जाए इसमें। और नाइस, अब मुझे बैठ जाने दो जल्दी से। अब चलो चलते हैं। सीरियसली मैं अंदर कैसे जाऊं? और दूसरा विलेजर बैठ गया यार, यही तो नहीं चाहता था मैं। अब मैं कैसे अंदर जाऊं भाई? ओ तू इसे बाहर नहीं भाग सकता। हाँ इसे अंदर, ये जा बाहर जा। ये गाइस हम सफल रहे। अब आ जाओ एंड चलो चलते हैं। जा सकता ना बाहर? ये नहीं जा सकता बाहर, ये अच्छी बात है हमारे लिए। एंड ये अब ठीक है ना? ओ, क्या मस्त लग रहा है, तू शांति से बैठा रहे इसमें ना, अब नहीं जाएगा ये बाहर। और इसका भी यार वही चक्कर करना पड़ेगा ताकि इसे कोई मार वार ना दे। ओ हाँ इसके लिए बिस्तर भी तो चाहिए होगा, मैं बिस्तर नहीं लाया। अरे यार मैं भी तो, अब मुझे बस क्या करना है, इसमें से वूल निकालने हैं, कुछ लोगों के वूल काटने हैं और इसको देने हैं। ओ लाइट आ गई, लाइट से मैं ज्यादा चमक जाता हूँ गाइस। एंड ये दे दे मुझे एमराल्ड, दे दे एमराल्ड, ये दे। ओके ठीक है, मौज कर, मुझे एमराल्ड मिल गए, तुझे गोल्ड मिल गया, पता नहीं क्या करते हैं। तो गाइस अब समय आ गया है इस जगह में जाने का। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड बाकी का जो कुछ भी है, पता है मैं ना थोड़े दिनों पहले इस नेदर में गया था, वहां पे दो सैंड मिले, दोनों सैंडों ने जो मुझे ना लावा में फेंका है, बहुत बुरा। ओ ये एडवांसमेंट मुझे दोबारा मिली, ये क्या है भाई? ओ इतना स्मूथ यार, इतना स्मूथ कैसे? और लगता है मेरे लैपटॉप ने आलू चुरा के खाए हैं। और गाइस बाय द वे मैं ऑफलाइन नजर में बहुत ज्यादा ये खोदा खोदी कर रहा था। एंड
ओके और ये जो है लावा में, इसी लावा में फेंका था कसम से उन सांडों ने, अब मैं नहीं छोड़ूंगा उन सांडों को। और मुझे थोड़ी सी और खोदी करनी है इसमें के, और क्या मिलता है। हाँ इसी, ओए कहाँ से आ गई एकदम से ये मुझे एडवांसमेंट दोबारा क्यों मिल रही है गाइस से बताएगा। ओके नाइस, ये इस लावा से मुझे दूर रहना चाहिए, वो दोनों सांड यहीं कहीं होंगे। और मुझे यार 1 मिनट के लिए सर्च करने दो कि और क्या क्या मिलता है, मतलब डायमंड से कुछ रेयर चीज होती है, तो मुझे सर्च करने दो, थोड़ा सा सर्च करके आता हूँ मैं। ओ गाइस मुझे पता चला डायमंड से भी कोई बहुत ही ज्यादा रेयर चीज होती है, उसे कहते हैं नेदर आइट, नेदर आइट। तो नेदर आइट के लिए बहुत ही ज्यादा रेयरली मिलती है हमें वो, और ऐसे ही मिलती है जैसे मैं कुछ दिनों पहले मैं डायमंड खोद रहा था, ये FNF3 करके, ये तो कोऑर्डिनेट वोर्डिनेट का कोई चक्कर होता है, ऐसे ही मिलती है हमें। और हाँ मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था, क्या पता है नेदर में भी डायमंड होते हो। और ये ग्रेवल का क्या, ग्रेवल से भाई ये रेयर चीज है ये, तो मुझे मैंने बस 2 कदम चले मुझे मिल गई। ओ भाई क्या है ये, मैंने तो बस 2 कदम चले और मुझे मिल गई। मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत दूर तक मैंने ये खोद रखी है, क्या है ये। और चलो इसे माइन करते हैं। ये माइन हो रही है ना, हो रही है ना तू माइन, या मुझे शक है कि ये टूट ना जाए, मुझे सर्च करके आना। ओ भाई ओके गाइस, इसके लिए हमें चाहिए डायमंड पिकेक्स, तो इसे अभी इधर ही रखते हैं और चलते हैं आगे। और मैं ये थोड़ा ये ले लूँ, ये ब्लैक स्टोन कोबल स्टोन की तरह होता है। ग्रेवल और ग्रेवल मतलब और फ्लिंट, ठीक है दो दो भाई, 3 3 कसम से, एक दो और वो पीछे मुझे मिला था 3, मैंने उसे अभी नहीं हटाया क्योंकि मैंने अभी डायमंड पिकैक्स बनाई ही नहीं है। 3 3 गाइस सही में 3 3, वाओ क्या बात है। एंड चलो और थोड़ा और आगे देख के आते हैं। ए ला 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 ओ, ये जगह मैंने पहले खोदी हुई है, तो इसका हमें 1 2 3, ओ तो ज्यादा ही नहीं है। बहुत सारी है यार, इतनी सारी और इतनी सारी हो। चार चार नेदराइट, चार चार नेदराइट के टुकड़े मिले मुझे भाई कसम से।
आज तो मेरा यार लकीएस्ट डे इन माइनक्राफ्ट। आज का थंबनेल भाई बहु, मैंने दो क्राफ्टिंग टेबल के बनाए, मैं पागल हूँ। नाइस यार, छोर छोर नेदरराइट के टुकड़े, ये कहाँ से रेयर? मुझे तो नहीं लग रही कि ये चीज रेयर होती है। ओ भाई ये हॉरर मूवी म्यूजिक क्यों चला रखा है भाइयों? क्यों चला रखा है ये हॉरर म्यूजिक, प्लीज कोई मुझे बताएगा। है यार, मुझे लग रहा है ना कि इधर भी हो सकते हैं, तो मैं इधर खोदना चाहता हूँ। ब्लैक स्टोन है यहाँ पे तो। ओ एक और है, क्या बात है! 5 6 7 मिली, 7 मुझे। आई गॉट 7 आउट ऑफ देम, नाइस यार। ओ भाई लकीएस्ट डे इन माइनक्राफ्ट भाई, लकीएस्ट डे। क्या यार क्लाइमेटिक म्यूजिक चला रखा है, क्या यार! ये मेरी खुशी व्यक्त करने के लिए तो थैंक यू। अगर तुम बताना चाहते हो कि मेरे साथ हॉरर होने वाला है, चलो देखते हैं, चलो टूट जाओ प्लीज। गाइस ये इस बेचारे पुराने न्यू बंदे को मिल गया ये अचीवमेंट सबसे पहले। वाओ, एंड ये रे दो। ओके गाइस, इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आज का दिन बहुत लकी था। मैं मानता हूँ कि माइनक्राफ्ट ने मेरे साथ अंदर की चीजें की हैं 2 3 बार, लेकिन उसका हर जाना मुझे इस रूप में दिया, इन दिस फॉर्म ही इट गेव मी द नो व्हाट। सो इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो एंड गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।